हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमनजीत कौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है मैसूर बोंडा की रेसिपी। मैसूर की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है ये, तो आप इसको टोमेटो सॉस, हरी चटनी या नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बोंडा बनते हैं ये, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एंड में इसको एक लाइक ज़रूर देना। बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, 1 कप मैदा, आधा कप दही, 1/4 कप चावल का आटा, और इसमें हमने लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काटा हुआ, 3-4 हरी मिर्च और धनिया बारीक काट लिया हमने, और नमक इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 पिंच बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच हम इसमें जीरा यूज़ करेंगे, साबुत जीरा। तो बस यही इंग्रेडिएंट चाहिए। तो अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, 1 कप मैदा, 125 ग्राम है वेट में, तो आपने छान कर ले लेना है। आधा कप दही, 1/4 कप चावल का आटा, और इसमें जाएगा बेकिंग सोडा 1 पिंच, इनके 1/4 चम्मच, और इसमें नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 3/4 नमक मैंने डाला है, और 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरा, तो हमने 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। और बीच में ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। बहुत ही टेस्टी बोंडा बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर देंगे। दही हमने डाला, इससे बोंडा बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, और इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे, ये हम पानी डाल देते हैं। आपने बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, नॉर्मल इसका बैटर रहेगा। तो अब हमें इसे हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। तो इसमें हम आधा कप पानी का यूज करेंगे, ये मैंने आधा कप पानी लिया था। तो देखिए बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो इसको अब हम सेट होने के लिए ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से फूल चुके हमारा बैटर, तो हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने बैटर को चेक करते हैं, और बैटर देखिए काफ़ी गाढ़ा है। इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। और ये बैटर हमारा बनकर रेडी है, और अब हम इसमें डालेंगे गर्मा गर्म तेल। तेल हमने इसलिए डालना है क्योंकि गर्मा गर्म तेल डालने से कोई भी आप पकौड़ी बनाओ, अगर उसमें भी आप गर्म तेल डालती हो तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो इसमें हमारा 3/4 यानी कि 1/4 कप पानी का लगा है, और तेल हमने साइड में गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म तेल, तो इससे हमारे बोंडा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और इसको हम एक बार मिक्स कर देते हैं, तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके बनाते हैं बोंडा। साथ में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे हाथ में लगाने के लिए, नहीं तो जो हमारा बैटर है वो हाथ में चिपकता है। तो चलते हैं हम गैस की तरफ, और देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा बैटर डालकर इसमें, तो देखिए फूल कर ऊपर आ गया हमारा बैटर, इसका मतलब है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम हाथ में पानी लगाकर, इनके हाथ को पानी में डुबोकर फिर अपने बोंडास इसमें डालेंगे। साइज अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बड़ा, छोटा, मीडियम सी मांच रखेंगे। देखिए फूल फूल कर ऊपर को आ रहे हैं हमारे बोंडा,
तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे, और जितने भी आपके एक बार में आ जाएंगे कढ़ाई में तो आपने उतने ही डालने हैं। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पलट देंगे ताकि चारों तरफ से ब्राउन हो चुके। अच्छे से हमने इनका कलर ब्राउन करना है, कच्चे नहीं रहने चाहिए। देखिए कितने फूले हुए हमारे बोंडा बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए, तो हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। देखिए कलर चेंज होने लग गए हैं, तो हमने इसको पलट पलट कर सभी तरफ से ब्राउन करना है। वैसे आपने इसको चलाते जाना है बीच में, जैसे ऊपर से वाइट है तो आपने इसको पलट देना है। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये, तो जब बन जाएंगे मैं आपको इसको थोड़ा रगड़ कर दिखाऊंगी, देख कितने क्रिस्पी होंगे ये। जो हमने इसमें चावल का आटा डाला है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है। देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे बोंडा, तो इनको हम थोड़ा और ब्राउन करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ओके, हमारे बोंडाज बनकर रेडी हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं ये। ये देखिए, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए, और जो बाकी के बचे हैं वो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने इसमें तेल डाला है ना गर्मा गर्म, उससे ये अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और चावल के आटे से ऊपर से इसमें क्रिस्पीनेस आती है। तो इस तरीके से बनाओगे तो आपके बोंडा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। मैंने सभी बोंडाज डाल दिए हैं। इनको भी हम अच्छे से चला देंगे बीच में ताकि सभी तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो हमारा सेकंड लोट भी बनकर तैयार हो गया है, और ये हमारे सभी बोंडा बनकर हो गए हैं रेडी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और क्रिस्पी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं ये। आवाज़ सुनना आप इसकी, देखिए कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। अब ये बहुत गर्म है तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये अंदर से, ये देखिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हमारे बोंडाज बनकर हो गए हैं रेडी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।